नाम मदन गुजर, चार पूजा का पुजारी हूँ और राजसमंद का एक जिला प्रमुख रहा हूँ। हमारी बाबाजी से मुलाकात चार पूजा नाथ की वजह से हुई। ये मंदिर में दर्शन करने आए थे, फिर हमारी जान पहचान हुई और फिर इन्होंने कहा, फिर उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। हम इनके एक दो शिविर में जाके भी आए, उसके बाद हमने ठाना कि हमारे मेवाड़ की धरती पर जो लोग हमारे लोग परेशान हैं उनका इलाज हो, इसके लिए मैंने बाबाजी से रिक्वेस्ट की और बाबाजी ने हमारे को परमिशन दी कि भाई आप परमिशन ले आओ, हो जाएगी। मैंने बाबाजी से यही निवेदन किया कि बाबाजी चार भुजा की नगरी है, यहाँ पर सभी का मेवाड़ का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और भगवान की नगरी है, आप अगर यहाँ से शिविर करेंगे तो बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। और फिर हमने माननीय एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से बात करके उनको संतुष्ट किया कि वास्तव में महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार है, लोगों में बहुत बड़ी उत्साह है। इसलिए पहले हमने भगवान चार भुजा नाथ जी से आशीर्वाद लिया, उनसे फूल लिया कि भगवान हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी ने हमें एक फूल के रूप में दे दिया कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, लोगों को फायदा मिलेगा। तब से हमने हमारे को कोई कई जगह मना नहीं हुई और आज इस तीर्थ पर जिस धरती पर हम लोग जो कर रहे हैं इस पर राजनीतिक कई लोग यहाँ धरती से आघात कर चुके हैं। वसुंधरा जी ने दो बार इसी धरती पर जो कैंप लगा हुआ है इसी धरती से दो बार आघात किया और उनकी जीत हुई, और दूसरी बार हमारे माननीय अशोक जी और सचिन पायलट और सीपी साहब ने इसी धरती से जहाँ यहाँ कैंप लगा हुआ है इसी धरती से हमने महाराज जी को कहा ये धरती पावन धरती है, इस धरती से जो आघात करेगा वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी फतेह होगी और इस धरती से लोग अच्छे होके जाएंगे। तो माननीय महाराज जी ने हमें ये बराबर विश्वास दिलाया, आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग मीडिया वाले भी खुद आके देखें। हमने कहा लोगों को, हमने व्हाट्सएप से मैसेज किया, हमने लोगों को यही कहा कि आप लोग हमारी बातों पर नहीं आए, आप खुद आए और खुद आकर इस शिविर में लोगों को देखें। जहाँ लोग बिहार से नेपाल से, हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसे मरीज नहीं देखे होंगे, जो मरीज यहाँ से अच्छे होके जा रहे हैं और लोग दुआ दे रहे हैं कि आपने यहाँ शिविर लगाया, हम लोगों को फायदा मिला। हमारे आसपास के लोगों के, राजसमंद जिलों के लोगों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप दिन में नहीं आए, रात को 8 बजे के बाद आप लोग आए तो आपका इलाज व्यवस्थित आपको टाइम मिलेगा। और बाहर जी इतनी कृपा दे रहे हैं, 8 बजे के बाद अगर 3 भी बज रहे हैं तो हमारे लोगों को देख रहे हैं और हमारे लोग पूरे संतुष्ट हैं। आप मीडिया वाले और भी इतना प्रचार करें जिससे लोगों को फायदा मिले। माननीय कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया कि आप इस शिविर में आकर अवलोकन करें कि वास्तव में इस शिविर में सच्चाई कितनी है। अपकरण अधिकारी जी में हमने कहा और सब सहयोग कर रहे हैं। आप लोग एसपी साहब और कलेक्टर साहब भी निवेदन करता हूँ कि आप आकर अपने आंखों से ये देखें और वास्तव में ये चमत्कार एक बहुत बड़ी कृपा है। इसमें दो कृपा हो रही है, एक तो शिविर में माता जी की कृपा है, दूसरा चार भुजा नाथ के दर्शन करने पर उनको डबल फायदा मिल रहा है। यही मैं बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी को भगवान चार भुजा नाथ बड़ी शक्ति दे जिससे लोगों को अच्छा हो। बाबा जी मेरे कंठी मंदिर में, चार भुजा का पुजारी हूँ, इनको भगवान को कंठी मैंने मान दी है, इस हिसाब से मैं बाबा जी का गुरु तो नहीं मानता, मैं चार भुजा नाथ की वजह से बाबा जी का गुरु हूँ। और बाबा जी जिस तरह से दुनिया के गुरु हैं, जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत भगवान चार भुजा नाथ का आशीर्वाद रहे और लोगों की दुआ मिले। निःशुल्क यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, यहाँ जो भी दान करता है उसी दान से सेवा होती है। गऊ जैसे बाबा जी का पैसा बच भी जाता है तो पैसा गौशाला में लगाते हैं, इस नाम का एक पैसा नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और वैज्ञानिकों के लिए, जैसे अभी देवी देवताओं का, भोपाओं का जो प्रकोप जो दूर होता है, वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और सबका इलाज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जो 10 साल से चलते नहीं, 15 साल से चलते नहीं, वो आदमी एक बार चलकर उठकर चल रहे हैं तो उसको फर्क हो रहा है, 10% भी फर्क होता है फिर भी लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। इसी से बाबा जी की कृपा है और आप लोग
आए हो, आप खुद देखें, हम हमारा कहने से नहीं, आप खुद देखें और फिर मीडिया में उसका प्रचार करें, लोगों को फायदा मिले। इसी के साथ आप लोग पधारे, आपका स्वागत है। और यहाँ पर एक रुपया दान दो, 100 रुपया दान दो, उस दान से सारी व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्था न तो भाजी की है न हमारी है, ये दान देने वालों की सारी व्यवस्था है। और जो दान दे रहा है उसको पुण्य मिलेगा, और ये व्यवस्था में जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजी हमारी जाति से विलोम करते हैं, हमें बहुत गर्व है कि हमारे देव पुरुष जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर माता जी की शक्ति है। आज हम चार भुजा से यही निवेदन करते हैं कि आप चार भुजा नाथ और डबल शक्ति दे, जिसे गरीबों का उत्थान हो और गरीबों का इलाज हो और देश देश में बहुत होता है। दान दे रहे हैं उसका संग्रहण कौन रखता है? ये जो दान दे रहे हैं ये दान पेटी है, शाम को इनको गिना जाता है और पूरा जो व्यय और खर्चा होता है एक पूरी कमेटी बनी हुई है, जिसमें ये पैसा जो से भी आता है तो वो खर्चे में लग जाता है। महाराज जी का कुछ इसमें ही नहीं है, टेन भी बंधा हुआ है तो दान से लाया हुआ है, और जो भी खर्चा होता है उसके बाद गाँव में जो गौशाला है, अभी चार भुजा नाथ के यहाँ पर जो एक गौशाला जो बाहर की जो गाय थी उनका इलाज कौन करे, उसके लिए बाबजी ने सारा पैसा वहाँ भी दिया है, लैब के लिए दिया है, वहाँ पर अन्नदान भी, वो जो उसमें खाना जो खाते हैं उसका भी खर्चा हो रहा है। अभी 5,000 या 1,011 नारियल का यज्ञ होगा, बाबजी यज्ञ करवाएंगे और ये उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है। ये धरती बहुत ही शुभ धरती है और इस धरती पर अच्छे हुए हैं। बाबजी का परचमा पूरे हिंदुस्तान पर नहीं, पूरे अमेरिका, बाहर से भी लोग आएंगे और इनका इलाज साइंस में फैल नहीं कह सकता, साइंस भी अपने हिसाब से लोगों का इलाज कर रही है, पर साइंस जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद जो लोगों में आशा रहती है कि हमारा बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, उसको बाबजी ठीक करके भेजते हैं। ये बहुत बड़ी दुआ लोगों की मिलती है। इसी आशा के साथ आप लोगों ने हमारा ये कार्यक्रम लिया। कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा ये शिविर? 13 तारीख से चालू हुआ है और 17 तारीख तक चलेगा, 27 तारीख तक चलेगा। अगर हमारे यहाँ लोग और भी ज्यादा उमड़ेंगे तो बाजी से कहेंगे हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से राजसमंद जिला और आसपास के लोगों को से निवेदन करता है कि आप लोग दिन में नहीं आए, सब काम करने के बाद रात को 8 बजे के बाद आप आए, अगर कितनी भी बजेगी आपको देखा जाएगा। हमारा उद्देश्य जब हमारा पूरा होगा कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, हमारे लोग अच्छे हो, तभी हमारा शिविर लगाने सार्थक होगा। आप लोग 8 बजे के बाद बना रहे, इसी के साथ एक बार कमल घुमा इसके लिए चार बार पाँच बार तो आना पड़ता है। एक बार घूमने पर भी जिसके घूमी है, जिसके बाहर 3 बार घूमी है, आप उसका इंटरव्यू लें, वो आपको बताएंगे कि वास्तव में चमत्कार है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।